क्योंकि पिताजी जो है अक्सर, क्योंकि पिताजी की भी ट्रेनिंग ऐसे ही हुई थी, तो वो अपने पिताजी के ट्रेनिंग को हम लोगों के ऊपर भी लागू करते थे कि भैया कितने बार खैला, मतलब कितने बार खाए, तो बताए उनको कि भाई 4 बार खाए, क्या क्या कब कब क्या क्या खाए, अब वो भी बताओ। तो अब सवेरे जो है अक्सर ही हम लोगों के यहाँ चना, चना की घुघरी हम लोग बोलते हैं, वो बनता था, हलवा बनता था नाश्ता में। तो हलवा है, पूरी है, ये सब गिना दिए। वाह, हलवा पूरी भी खाए हो आज दोपहर में, दाल चावल रोटी सब्जी खाए हो, शाम को चाय के समय में भी कुछ न कुछ खाए हो। मुरमुरा वगैरह होता था, हमारी दादी को बहुत प्रिय था, तो चना मुरमुरा ये सब बनता था, वो खाते थे। फिर रात में फिर भोजन होता था, रोटी सब्जी जो भी। तो बोले 4 बार खाए हो, गाए कितने बार हो? तो गाए 2 बार, गाए 2 बार गाते थे, शर्म नहीं आता है। खाते हो 4 बार, हो गाते हो 2 ही बार। तो हमेशा इस तरीके का उलाहना वो देते थे। फिर बाद में वो 4 बार तो नहीं हो सका, हाँ 3 बार का रियाज हम लोगों का बहुत हुआ है। सुबह 2.5-3 घंटे का रियाज नित्य प्रतिदिन होने लगा, और फिर शाम को हम लोग गाने लगे। 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक गाते थे, फिर उसके बाद ग्राउंड पे चले जाते थे और वहाँ से खेल वोल के आते थे, फिर उसके बाद में 3 घंटे का सेशन। तो ऐसे ऐसे करके पार्ट पार्ट में, और वो बोलते भी थे कि पार्ट पार्ट में ही करना चाहिए, एक लगातार गाने से उसमें बड़ा एक मोनोटोनी आ जाता है, और आदमी का मस्तिष्क का काम है, ये फाइन आर्ट है, तो वो भी ब्लॉक होने लगता है। तो इसलिए थोड़ा ड्यूरेशन गैप होना चाहिए और शरीर की जो कैपेसिटी है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। तो बड़ा प्रैक्टिकल व्यक्ति थे हमारे पिताजी, चाचा जी। चूँकि पिताजी हेड थे, हेड ऑफ द फैमिली, तो चाचा जी फिर भी हम लोगों के उसमें रहते थे कि इनको क्रिकेट बैट की ज़रूरत है, इनको हॉकी की ज़रूरत है, इनको बैडमिंटन, तो वो सब ज़रूरतें वो पूरी करते थे। बोले हाँ बेटा, ये भी करो वो भी करो, मिट्टी में जब तक नहीं जाओगे तब तक वो मजबूती नहीं आएगी, तो मिट्टी में भी जाना बहुत ज़रूरी है। और वो हम समझते हैं कि वो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा पल था कि बहुत खेले हैं। अभी भी हम कई जगह ये बोलते हैं कि जहाँ भी हम स्ट्रेस में होते हैं, हम स्पोर्ट्स देखते हैं तो हम रिलीफ हो जाते हैं, हमारा तबीयत खुश हो जाता है, या मैं मस्ती में अपने वापस आ जाता हूँ। तो वो चीज़ें हेल्प करती हैं। शारीरिक श्रम जो है अगर आप करते हैं थोड़ा, तो उसमें यह है कि आपका मानस की जो स्थिति है वो अच्छी रहती है।